बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 4, द सेल ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर पार्ट 1। सो द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। In this lecture video, we will discuss the detailed difference between the structure of cell wall and the structure of cell membrane. So move on करते हैं हम अपनी main slide की तरफ। बेटा, this is the main slide of our today's lecture video. आज की lecture video बनाने का मकसद यही था कि बच्चे confused होते हैं, उनको cell membrane और cell wall के structure जो है उसमें काफ़ी सारी confusion जो है उसका सामना करना पड़ता है। आपको पता है इस platform के through मैंने आपको cell membrane का जो है वो lecture भी upload कर दिया, और इस platform के through मैंने cell membrane जो भी जो है वो आपको detail से समझा दी। इन दोनों लेक्चर वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसका डिफरेंस जो है वो एक अलग लेक्चर वीडियो में बता दिया जाए, सो दैट कि आप अगर कोई कंफ्यूज होते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर में, या जो है इनका मेन डिफरेंस जो है वो आपको समझ आ जाए, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मजीद अच्छे हो जाएँ। मूव ऑन करते हैं हम अपनी सेल मेम्ब्रेन वाली स्लाइड की तरफ, और उसमें हम देखते हैं कि हमारा पहला पॉइंट क्या है। बेटा, वो सारी बातें आज हम रिपीट करेंगे, और जब हम दोनों का कंपेरिजन देखेंगे तो आपको मजीद बहुत अच्छे से जो है वो इन दोनों टॉपिक्स की समझ आ जाएगी। पहला पॉइंट है बेटा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, वो चाहे प्लांट सेल हो या वो चाहे एनिमल सेल हो। कहने का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी मौजूद होती है, और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एनिमल सेल्स में भी मौजूद होता है। लेकिन अगर इसी का कंपैरिजन हम देखें कि सेल वॉल जो है बेटा वो आप देख सकते हैं कि वो एब्सेंट होती है इन एनिमल सेल के। हमने बात की सेल मेम्ब्रेन तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, वो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, लेकिन सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स लाइक बॉडीज में मौजूद होते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि फंजाई हो गया, एल्जी हो गया, और बैक्टीरिया में जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। हाँ, एनिमल सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। आई होप आपको ये फर्स्ट इनकी अकरेंस का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम अपना जो है वो कंपैरिजन देखते हैं, और वो है कि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ऑफ सेल जो कि है एनिमल सेल। और अगर हम इसकी बात करें तो सेल वॉल आपको पता है कि ना सिर्फ वो प्लांट्स में, मैंने आपको बताया कि जो फंजाई है, एल्जी है, बैक्टीरिया में, उसमें भी मौजूद होती है। और वो कहते हैं कि उनमें भी इनकी अपेयरेंस देखी जाए तो वो आउटर मोस्ट बाउंड्री ही होती है इन प्लांट सेल, फंगल सेल एंड इन मोस्ट बैक्टीरिया। क्लियर हो गया कि एनिमल्स में अगर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन भी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि सेल वॉल एनिमल्स में नहीं मौजूद होती, सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल, फंगल सेल और बैक्टीरिया में मौजूद होती है, और उनकी अपेयरेंस देख ली कि उनकी जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री की जो है वो अपेयरेंस लेती है। उसके बाद हम अपना थर्ड डिफरेंस देखते हैं, वो है कि इट इज़ अ लिविंग स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बता दिया था जब मैं सेल वॉल में बता रही थी कि सेल वॉल जो है वो बेटा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग स्ट्रक्चर है इन नेचर। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है नॉन लिविंग है एंड सिक्रेटेड फॉर प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको बता दिया प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म जो है वो मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनता है, और प्रोटोप्लाज्म जो स्ट्रक्चर है वही जो है वो सेल वॉल की जो है वो अपेयरेंस की वजह बनती है, या आप कह सकते हैं कि सेल वॉल सिक्रिएट करते हैं। क्लियर है कैसे सिक्रिएट करते हैं? मैंने आपको बता दिया था कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्पेशल केमिकल जो है वो सिक्रिएट करता है, वो स्पेशल केमिकल जो है वो सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सॉरी प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल या फंगल सेल की जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री की जगह पर जाके जो है वो वहाँ इम्प्लांट हो जाता है, और फिर वहाँ जो है वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनता है। तो क्लियर हो गया कि जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो सिक्रिएट करता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं बेटा, कहते हैं कि इट इज़ डिफरेंटली परमिएबल, कि वेरी करती है इसकी परमेबिलिटी जो है वो कंपोजिशन जो है आप कह सकते हैं इसकी जो परमेबिलिटी है वो सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करता है। यही वजह है कि मैंने आपको जब सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है इन नेचर, क्योंकि वो सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को पास आउट कर होने देती है आसानी से। और उसके अलावा फिर हमने कहा था कि मुश्किल भी होती है, फिर हमने पीछे देखा था कि जी जो है वो हमने देखा था कि फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने उस लेक्चर वीडियो में समझा दी। यहाँ डिफरेंस यही है कि ये जो है बेटा ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जबकि दूसरी जो है वो परमिएबल होती है टू ऑल डिजॉल्व सब्सटेंसेस
ये तमाम सब्सटेंसेस को जब इजीली अपने थ्रू पास होने देती है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मेनली प्रोटीन एंड लिपिड। मैंने आपको जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि बेटा जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड होती है। या जब हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देखा तो हमने कहा कि जी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसके दरमियान या उसके अंदर जो है वो लिपिड का जो है वो सैंडविच लाइक लिपिड जो है वो अंदर इम्प्लांट होती है, लिपिड बाय लेयर होती है। उसके जो बाहर वाले साइड पे जो है वो आउटर मोस्ट साइड पे प्रोटीन जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर रिवाइज करने का मकसद ये था कि आपको कंपोजिशन समझाई जाए कि सेल मेम्ब्रेन की जो है वो कंपोजिशन में मेनली प्रोटीन और लिपिड आ जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। क्लियर हो गया। जबकि उसके अलावा अगर हम सेल वॉल के कंपोजिशन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था कि सेल वॉल के जो प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन बात करें तो वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, फंजाई की बात करें तो वो काइटिन की बनी होती है, एंड प्रोकैरियोट्स की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें तो आपको पता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की जो है वो कंपोजिशन से बनी होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज थिन। मैंने आपको बताया था कि जब सेल वॉल में पढ़ा रही थी मैंने बताया था कि सेल वॉल जो है वो टफ है और रिजिड है और उनके जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उनके जो फाइबर्स हैं वो क्रिस क्रॉस या फिर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है वो अपने फाइबर्स अटैच करके रिजिड स्ट्रक्चर देते हैं। जबकि अगर हम सेल मेम्ब्रेन का बेटर डिफरेंस देखें तो सेल मेम्ब्रेन थिन होती है इन स्ट्रक्चर, अलास्टिक इन नेचर होती है, जेलिकेट होती है, एंड सेल्फ जो है वो रिपेयरेबल। रिपेयरेबल का मतलब होता है बेटा कि जी ये खुद ही जो है वो रिपेयर हो जाती है। अगर डैमेज आता है ना कि किसी जगह पे सेल मेम्ब्रेन का तो वो सेल जो है वो दोबारा रिपेयर कर लेती है सेल मेम्ब्रेन को। सो ये सेल्फ रिपेयरेबल होती है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जी लचकदार होती है एंड डेलिकेट कहते हैं नरम होती है, थिन होती है। क्लियर हो गया। उसके बरक्स अगर दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो इट इज़ टफ एंड रिजिड स्ट्रक्चर। वो क्यों टफ और रिजिड है मैंने आपको सेलुलोज की जो है वो कंपोजिशन या उसका स्ट्रक्चर जो पढ़ाया था मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लास्ट इसका मेन डिफरेंस देखना है हमने जो कि है लूज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉजेज डेथ ऑफ द सेल। कहते हैं कि हाँ अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अगर ख़त्म हो जाती है या उसमें डैमेज आता है तब जो है वो पूरे के पूरे सेल की जो है वो डेथ की वजह बनती है। अब यहाँ एक और डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है, वो है कि बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बच्चे कंफ्यूज होते होंगे कि सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। तो बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल ऑर्गेनेली की। जो सेल ऑर्गेनेली को जो इर्द गिर्द जो उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ना सेल ऑर्गेनेली को उनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो सेल है ना वो पूरे का पूरा जो इंटायर सेल को जो कवर करता है ना उस कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आई होप आपको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंस क्लियर हो गया। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा वो पूरे का पूरे सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको कहते हैं, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज की जो आउटर बाउंड्री है या आउटर कवरिंग है उसको हम कहते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि रिमूवल ऑफ सेल वॉल मे नॉट कॉज डेथ टू द सेल। कि अगर सेल वॉल की रिमूवल करवा दी जाए या सेल वॉल की आप कह सकते हैं डैमेज आ जाए या सेल वॉल डिस्टर्ब हो जाए, सेल वॉल डैमेज हो जाए तब सेल के स्ट्रक्चर पे या सेल की जो है वो स्ट्रेंथ पे या आप कह सकते हैं सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल डेथ नहीं होगी। हाँ दूसरी सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसमें अगर हम देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब लूज हो जाए या फिर उसमें डैमेज आए तब पूरे का पूरा सेल डैमेज या डेथ हो सकती है। आई होप मैंने बहुत आसान जो है वो कॉन्सेप्ट दिए आपको डिफरेंस किए, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस देखा, सेल वॉल से डिफरेंट एक्सेप्ट के जो है वो डिफरेंट वे से हमने देखा कि किस तरह वो डिफरेंट है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपने कुछ भी पूछना हो, क्वेश्चन हो आपका इस रिलेटेड तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके देन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।